आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सरगढ़ पुलिस ने एक मासूम लड़की को अगवा करने वाले दरिंदे को क्या गिरफ्तार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद, 26 साल आरओडी शेडर पृथ्वीराज जो मलकपेट काला डेरा का साकिन है, 3 तारीख के दिन सुबह 3 बजे 9 साल मासूम लड़की को अगवा करने की कोशिश की जो उसकी पड़ोसी थी। उस लड़की के घर वालों ने पृथ्वीराज की इस हरकत को देखकर उसे मारा और चादरघाट पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन पुलिस ने पृथ्वीराज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की बजाय उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। उस लड़की के घर वालों का कहना है कि पुलिस की जानिब से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसी वजह से उन लोगों ने मलकपेट MLA से मुतालिबा किया और तमाम तफसील MLA को सुनाई। तब MLA ने चादरघाट पुलिस पर उस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला। चादरघाट पुलिस ने पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू रेप केस बुक किया और उसे अदालत की तहवील में दे दिया। मोहम्मद जियाउद्दीन और सैयद अरशद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम आसिफा बेगम, हम लोग सो रहे थे, 3 बजे रात थी। कब? कल 3 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख के दिन 3 बजे रात थी। हम लोग नींद में थे, बच्ची को लेके जा रहा था, नींद हुशार हो गई, पकड़ के खींचा उसका बाबा, खींच के नीचे बिठा दिए। अच्छा, कौन, क्या हुआ था, कौन है घर में? राजू, राजू, राजू महीने का रोड़ी शेट रहे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है। मैं जो है रात में 3 बजे 3 तारीख के दिन इन्हें जो है सो घर में दाखिल हुआ। ये महिले का रोडी शीट रहे इन्हें पुराना, चादरघाट PS में इसकी जो है सो ना रोडी शीट खुली हुई है। इन्हें हमारे घर में, इसका नाम राजू है, इन्हें घर में जो है ना ज़बरदस्ती हमारे दाखिल हुआ। नीचे की गेट खुली हुई थी, जिस वक्त मेरी नींद हुशार हुई उस वक्त जो है ना मैं देखा कि ये बच्ची को लेके जो है ना भाग रहा था और मैं उसको जब ही दबोच लिया उसी वक्त। बाद में उन्हें लड़की को जो है सो छोड़ दिया और जो है सो नीचे भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैं पकड़ के उसको जो है ना कैद कर दिया। उस वक्त तक के महिले के लोग भी जाग गए। उसके बाद में जो है ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस आने के बाद में जो है सो उसको गिरफ्तार करके जो है ले लेके गए गाड़ी में। फिर बाद में जो है पुलिस ने उसको छोटा केस लगा के जो है ना, यानी पिटी केस, उसको जो है रिलीज किया गया। उसके बाद में जो है MLA साहब के कहने पे जो है सो फिर उसको जो है सो ना रिमांड, कोर्ट रिमांड किया गया। MLA कौन है सर? अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला सर। अच्छा, तो ये जो है ना पुलिस की पूरी मिली भगत है। इन लोगों के खिलाफ और भी दफात लगने चाहिए कि किसी ये किसी अजनबी के घर में घुस के ये लोग कैसा कर सकते हैं ऐसी हरकत। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मीडिया से। आपको क्या नाम बच्ची? मेरी लड़की है। क्या नाम है उनका? आयशा बेगम है। आयशा बेगम, क्या उम्र है आपकी बच्ची? 9 साल है मेरी बच्ची की उम्र। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? आप, मैं हुकूमत से इंसाफ चाह रहा हूँ मैं, कि कोई अजनबी शख्स घर में घुस के बच्ची को कैसा ले जाता और उसके ऊपर छोटे दफात कैसे लगाए जाते। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का केस लगाना चाहिए। मेरे घर में लड़का है, 2 लड़के है, उन्हें लड़कों को नहीं ले जा रहा था, मेरी लड़की को ले जाने का क्या मतलब था? मेरा सवाल ये है उससे। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।